अरे देखो ये रहा तुम्हारा नाम। हाँ, मैं तो पास हो गई भाई।
अरे मेरा भी नाम नहीं नाम, अरे मैं भी सिलेक्ट हो गया, अरे मैं भी सिलेक्ट हो गया, पप्पू सिलेक्ट हो गया। जैसा कि अभी आपने देखा कि स्वतंत्रता मिलने के बाद आजकल के युवा अपने अनुसार पढ़ सकते हैं और वो अपने सपनों को साकार करने में सक्षम हो सकते हैं। सर मैं कमें गुड इवनिंग सर, सर मेरे को सर मैंने आपके यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जॉब के लिए जॉब की जरूरत है। कहाँ तक पढ़े हो सर? मैंने ग्रेजुएशन किया है अच्छे नंबरों से पास। नंबर तो अच्छा है पर आपके लिए पोस्ट नहीं है। बट क्यों सर, पोस्ट पूरी फुल हो चुकी है सर, तो मेरे को सर जॉब की जरूरत है सर। तो प्लीज सर फिर जॉब की जरूरत है सर। सिक्योरिटी प्लीज सर, सर जॉब की जरूरत है सर, प्लीज देख लीजिए। सिक्योरिटी को बाहर लेके जाओ। तो प्लीज सर, सर जॉब की जरूरत है सर, तो प्लीज सर। जैसा कि अभी आपने वापस से देखा कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं स्वतंत्रता की वजह से, लेकिन डिग्रियां इकट्ठा भी कर रहे हैं, लेकिन आज भी ऐसे कई जगह है जहां हमें रोजगार के लिए हाथ जोड़ना पड़ रहा है किसी और के सामने। मेरे देश के प्रिय युवाओं, रोजगार लेने वाले नहीं देने वाले बनिए, उठो जाओ और अपने लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे देश के युवा स्वतंत्रता के कारण एक तरफ तो नशीली पदार्थ का सेवन कर रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, तथा दूसरी तरफ हमारे युवा पढ़ लिख कर अपने और अपने देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं क्या करूँगी।